हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल बेस्ट प्लेस टू विजिट पर। आज की इस वीडियो में हम आपको असम के एक जाने माने शहर होजाई के बारे में बताने वाला हूँ, जो हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छा डॉक्टर के लिए पूरा असम में जाना जाता है। तो चलिए डिटेली चलते है होजाई शहर में। होजाई का जो पहला नाम था होजाई काछारी, बाद में उसको बदल के होजाई रखा गया था। 15 अगस्त 1983 से होजाई नगाव डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन था, लेकिन 15 अगस्त 2015 से होजाई को एक अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अगर कहा जाए होजाई की पॉपुलेशन की, तो होजाई में लगभग 80,000 से ज्यादा लोग रहते, जिसमें हिंदू लोग ज्यादा है। हिंदू 40% है, मुस्लिम 35% है, क्रिश्चियन 15% है और दूसरे अन्य जनजाति 10% है। होजाई में हर तरह के लोग मिलजुल के रहता है और हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। होजाई का मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा, जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार करता है। होजाई में सबसे बोलने वाला भाषा है बंगाली, जो 70% लोग बंगाली भाषा का ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद लोग ज्यादा हिंदी बोलते। असम में रहते हुए भी होजाई के लोग बहुत ही कम SMS भाषा का प्रयोग करता है। अगर कहा जाए शिक्षा की, तो होजाई में बहुत अच्छा अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद है। होजाई के लोग बहुत शिक्षित भी होता है, इसीलिए तेजी से विकसित होने वाला शहर में होजाई भी मौजूद है। होजाई के आसपास के शहर से लोग होजाई रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। अगर आप भी होजाई को एक अच्छे शहर मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। पहले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नौगांव जाना पड़ता था, लेकिन अब होजाई में DTO ऑफिस होने के कारण लोग अब होजाई में ही अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा सकता है। तो आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। अभी बात है अगर हमको होजाई जाना है तो कैसे जाए और होजाई में देखने वाला क्या क्या है। होजाई जो डिस्ट्रिक्ट होने के कारण होजाई में राजधानी एक्सप्रेस छोड़ के सभी ट्रेन रुकता है और होजाई गुवाहाटी से सिर्फ 120 किलोमीटर दूरी पे ही मौजूद है। अगर आप होजाई जाना चाहते हो, तो आप भारत के किसी भी शहर से ट्रेन के जरिए होजाई जा सकते हैं। और होजाई के नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो है दोस्तों गुवाहाटी एयरपोर्ट। अभी जानते हैं होजाई में घूमने वाला क्या क्या है। होजाई में आप शांति बन चिल्ड्रन पार्क घूम सकते हो, होजाई आर्कियोलॉजिकल पार्क जा सकते हो और तुमपिंग पार्क में भी आप लोग जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग 10,000 लेके जाओगे होजाई, तो आप लोग आराम से 2-3 दिन होजाई में रुक सकते हो, सब कुछ देख पाओगे होजाई में। तो बस होजाई के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस चैनल पे आप लोग को हर जगह का वीडियो मिल जाएगा धीरे, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक प्लेस का वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।